देखिए, जब आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन में एक टॉपिक आता है सेटबैक डिस्टेंस। अब उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो लेंथ ऑफ द कर्व है और साइड डिस्टेंस है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि एक ड्राइवर जो है वो विजिबल रहे दूसरे ड्राइवर को। अब ये जो है उसको मैं आप एक पेपर पर बताता एक हूँ। NH हाईवे है, मैंने ड्रॉ किया है उसका थोड़ा एक कर्व। तो ये देखिए, ये जो पूरा है ये लेंथ ऑफ कर्व है, और ये जो है ये साइड डिस्टेंस है जो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देखने वाला या फिर पास करने वाला है। और ये जो है ना, ये घास फूस है। देखिए, जब आप एन से जाते हैं तो थोड़ी बार आपको खेती बाड़ी दिखती है, तो वहाँ पर अगर बड़े बड़े जैसे कि ऊस है, ऐसे उन्होंने उगाए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देख नहीं पाएगा, तो ये जनरली होता नहीं है। एज अ मतलब गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, तो ये जो है अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये जो है ये आपको साइड डिस्टेंस कहलाएगा। तो इतना एक साइड डिस्टेंस आपको डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि ये जो ड्राइवर है दूसरे ड्राइवर को एक कर्व पर विजिबल रहे, उनकी विजिबिलिटी है वो रहे और कोलिजन है वो रहे ना। वैसे ही एक इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है और बीच में एक आप बिल्डिंग बना देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का विजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक नज़दीक ही आ रहे हैं, फिर वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो इनका भी जो चांसेस है कोलिजन के वो बढ़ जाते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए समटाइम्स लाइक दैट आप रोड्स बना देते हैं। देखते होंगे आपकी जहाँ पर एक जो रेडियस है वो ज़्यादा फॉर्म की जाती है, ताकि जो विजिबिलिटी है एक दूसरे की वो बनी रहे। और बीच में कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। एक हमारा एरिया, ये एक ओल्ड पास ओल्ड बाईपास है, हमारे एक समाज कल्याण हॉस्टल है, तो वहाँ से एक पीछे का राम मैगी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर, यहाँ से आगे। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर यहाँ तक देखेंगे ना, तो एक विजिबिलिटी है, ये चली जाएंगी, इधर से कौन सा ट्रक आ रहा है ना वो दिखेगा नहीं। और ये इस रास्ते की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस रास्ते से जो अंदर की साइड है, यहाँ से ये एक में ऐसा रास्ता है जो सीधा साईनगर आपको लेके जाएगा। तो यहाँ से जो ट्रक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स ले लेते हैं, तो आने जाने के वक्त की नहीं, ट्रक का ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव रहता है। तो आप थोड़ा सा संभाल के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा विजिबल हो जाएंगे, लेकिन अपना थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं है तो फिर यहाँ पर पूरी जो विजिबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है और हमारे ऐसे एक दो दोस्त हैं। तो यहाँ से अगर आप जा रहे हैं, आपको पता है ये जो रूट है अपने राम मैगी का, तो थोड़ा सतर्क होकर जाइए। यहाँ से तो टर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संभाल के लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही।